प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। छत्तीस घंटे बाद नहीं हुई युवती के शव की शिनाख्त, मथुरा में ट्राली बैग में बंद मिली थी 22 साल की लड़की की लाश। कुख्यात गौकस दिलदार मुठभेड़ में गरस्त, मेरठ के भगवानपुर के गौकशी की बड़ी प्लानिंग की थी, साथी फरार। आजम खान की तरफ इरफान पर भी कस रहा सिकंजा, मेडिकल कॉलेज कांड में सभी मुकदमों को खोलने की तैयारी। प्रेमिका और पत्नी के गम में युवकों ने किया सुसाइड, मेरठ में दो परिवारों के बुझ गए चिराग, एक ने लगाई फांसी, दूसरे ने जहर खाकर खोई अपनी जिंदगी। बहन भाई और मां करवाना चाहती है गलत काम, युवती ने वीडियो वायरल कर लगाई गुहार। कानपुर देहात में फौजी ने युवती से किया रेप, पीड़िता बोली शादी का झांसा देकर चाल सकता करता रहा शारीरिक शोषण। कौशाम्बी के नए ट्रामा सेंटर की दीवार पर दरार, सिरातु विधायक पल्लवी पटेल ने हाथ से उखेड़ा प्लास्टर। तमिल डेलीगेट्स के काशी प्रवास का दूसरा दिन देखने पहुंचे महाकवि भरतियार का घर, गंगा की गूंज कर उतारी आरती। सीतापुर में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा, 22 दिन बाद पुलिस ने एक बदमाश को दबोचा, सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद। उन्नाव में सपा के ट्वीट पर विधायक अनिल सिंह का पलटवार, बोले सपाइयों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग अटैक की दो घटनाएं, घर के बाहर खेल रही बच्ची को नोचा, सोसाइटी के बाहर गई लड़की के पीछे दौड़े 3 कुत्ते। कुशीनगर में मनरेगा में काम में भ्रष्टाचार, मास्टर रोल में मजदूरों की संख्या अधिक, दिखाकर लाखों रुपए की हो रही है बंदरबांट। रमन्ना गुलजार बाग में 10 हेक्टेयर में बनेगा इको पार्क, फर्रुखाबाद शहर के लोगों को सौगात, शासन ने 32 लाख रुपए बजट हुआ आवंटित। बागपत पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया है खुलासा, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद। अमेठी में अधिवक्ताओं के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, अधिकारियों से नोकझोंक। बाराबंकी में नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही, 6 माह बाद भी नहीं हटाया मृतक डॉक्टर का नेम प्लेट। कन्नौज में युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाया शव, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। श्रीजी मंदिर पर मारपीट का वीडियो वायरल, मथुरा के बरसाना में दुकानदार और सह रिसीवर में हुई थी मारपीट, झगड़े में 2 घायल। प्रयागराज में आप 11 दिन में करेगी 800 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, यूपी में 20 नवंबर से शुरू होगा अभियान, निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी। बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, मृतका के शिनाख्त में जुटी पुलिस।
रायबरेली में महिला की गला रेतकर हत्या, भाई ने घर के अंदर खून से लथपथ देखा शव, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद से रिटायर्ड थी। बहराइच में नर्सिंग होम में हंगामा, मामले में एफआईआर, फुटेज के आधार पर दो नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा, बच्चे की हुई थी मौत। हरदोई में चौकी इंचार्ज 6 सिपाहियों समेत 11 के खिलाफ एफआईआर, पीड़ित को रात भर थाने में बैठाया। सुल्तानपुर में हादसा, दो सगे भाई समेत 3 घायल, टेम्पो के पल्सर बाइक में माई टक्कर, अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर हादसा हुआ। चंदौली में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज, प्रशासन ने जारी किया है फाइल मतदाता सूची, चारों निकाय में 1.54 लाख वोटर। बुलंदशहर में बहुचर्चित व्यापारी अपहरण हत्याकांड के आरोपियों समेत 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हमीरपुर में तालाब में तैरता मिला युवा का शव, तालाब में तैरता शव देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। कानपुर में पुलिस की साठगांठ का नया मामला सामने आया है, विवादित प्लॉट में पुलिस की साठगांठ से बाउंड्री वॉल का काम हुआ शुरू। अलीगढ़ में मंचले ने युवती को बुरी नियत से दबोचा, विरोध करने पर तमंचे की बट मारकर किया घायल। औरैया में गलत जांच रिपोर्ट देने पर पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ शिकायत, संचालक ने महिला को दी गई थी गलत रिपोर्ट। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई है मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। औरैया में डेंगू व वायरल बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा, जनपद में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 73 पहुंचा। गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी ने भेजी रिपोर्ट, बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह ने मांगी थी कार्यों की पूरी जानकारी। गोंडा में चोरों में नहीं रहा पुलिस का खौफ, चोरों ने दी है पुलिस को चुनौती, नगर कोतवाली के नाक के नीचे से चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। गाजीपुर में सपा के एमएलसी प्रत्याशी रहे छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार, सपा विधायक बोले सरकार राजनीतिक द्वेष के तहत कर रही है ये गिरफ्तारी। हरदोई में प्रशासन ने फिर एक फरियादी को भिजवाया थाने, तहसील दिवस में शिकायत लेकर आया था पीड़ित, पीटते हुए थाने ले गए पुलिसकर्मी। कांसगंज में आम के पेड़ पर लटकता मिला कपड़ा कारोबारी का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के विपक्ष में किया वार, बोले सपा बसपा और कांग्रेस दलित पिछड़ी जाति के विरोधी हैं। सीतापुर में नशेड़ी एम्बुलेंस ड्राइवर ने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर रखा पैर, बाल बाल बचे लोग। रायबरेली दबंगों ने घर में घुसकर रिटायर्ड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की हत्या,
कि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच के दिए आदेश। संभल ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ उठाई है आवाज, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। रायबरेली सड़क धंसने से सीवर में गिरा बाइक सवार, घटना में बाइक सवार को काफी चोटें आईं, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। कानपुर के पिपौरी की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण का सर्वे, तहसीलदार और लेखपाल ने 32 भू माफियाओं पर लिखाया मुकदमा। श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, ट्रैक्टर के नीचे गिरे बुजुर्ग की ओवर रोटावेटर में फंसकर हुई दर्दनाक मौत। श्रावस्ती में यूपी पीएससी से संचालित स्टाफ नर्सों को मिला नियुक्ति पत्र, भिंगा के एनआईसी भवन में वर्चुअल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। बरेली नैनीताल हाईवे पर एक्सीडेंट में 3 की मौत, तेज रफ्तार शिफ्ट कार ट्रक के अंदर घुसी, मरने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीआईएसएफ के दरोगा। मुरादाबाद में चपरासी के मोबाइल में मिली है 4 वीडियो महिला प्रोफेसर की, वीडियो शूट करने को टॉयलेट में छुपाता था मोबाइल। औरैया में चोरी के 105 मोबाइल बरामद, बाजार में बताई जा रही है 15 लाख कीमत, मोबाइल पाकर लोग कोई चेहरे खिल उठे। अखिलेश ने छुए शिवपाल के पैर, डिंपल के समर्थन में शिवपाल ने पहली जनसभा की, कहा बहू को जिताना है। रामपुर पुलिस ने महिला को दिलाए बच्चे, बेटा बोला पापा डंडे और रॉड से करते थे मम्मी की पिटाई, महिला ने कार्रवाई से किया इनकार। संभल में किसान नेताओं ने लगाई गन्ने बाजार की होली, कहा ब्लैक पर्चियों से हो रही है गन्ने की खरीद, 500 रुपए क्विंटल हो रही खरीद। कन्नौज में सभा, विधायक की गाड़ी को ट्रैक्टर टैंकर ने मारी है टक्कर, डिंपल का प्रचार करने मैनपुरी जा रही थी पूजा पाल, 2 की हालत गंभीर। अंबेडकरनगर जिला जेल में बंद कैदियों की मौत, धोखाधड़ी के मामले में बंद था प्रयागराज के केलदी का रहने वाला युवक। अमेठी में 124 जेबीसी संचालक पर 77 लाख टैक्स बकाया, नोटिस के बाद भी नहीं किए जमा, एआरटीओ बोले अभियान चलाकर होगी वसूली। कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुनाव आयोग ने लखनऊ में दर्ज है केस छुपाने पर दिया नोटिस, एससी का हस्तक्षेप से इनकार। अमरोहा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजन बोले मानसिक रूप से परेशान होने के चलते ऐसा कदम उठाया। गाजीपुर में महिला ने एम्बुलेंस में दिया बच्चे को जन्म, एटीएम से कराया स्वच्छित प्रसव, बच्चा और जच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती। नेपाल में प्रांतीय विधानसभा के लिए हुआ मतदान, महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, दोनों देशों के बीच आवाजाही पर रोक। जालौन में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत, एक माह पहले बदमाशों ने लूट के बाद चाकू गोदा था, झांसी में इलाज चल रहा था। आगरा में आलू के खराब बीज को लेकर किसान करेंगे बड़ा आंदोलन, बैठक बुलाने के बाद खुद नहीं आए उद्यान विभाग के डीडी, नाराज किसानों ने दी चेतावनी। बाहुबली विजय मिश्रा के गुर्गे समेत 2 का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 2 लोगों ने के लाइसेंस निरस्त हुए।
उन्नाव में लेदर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। चंदौली में ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, कैबिन में फंसे चालक को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा में गोली मारकर युवक की हत्या, कैमरे में मिला खून से लथपथ शव, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला। बिजनौर पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने की है मीटिंग, कानपुर व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया है निर्देश। विंध्याचल में ऑटो बना आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, सीएनजी टैंक के फटने से पहले बुझ गई आग। सीतापुर में इनामी ठग गिरफ्तार, 2 साल पहले प्राइवेट कंपनी खोलकर लोगों को लगाया चूना, 25,000 का था इनामी। मऊ पुलिस ने 91 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार, एसपी बोले अपराध छोड़ अपने काम में जुटे जाएंगे सभी, नहीं तो होगी कार्रवाई। सरस्वती में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी पाने वाला गिरफ्तार, खंड शिक्षा अधिकारी ने दर्ज कराया था मुकदमा। पंद्रह घंटे बाद मलबे में दबे मजदूर का मिला शव, गाजीपुर का रहने वाला था विजय कुमार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जर्जर मकान की ढही थी दीवार। गाजीपुर में ट्रैफिक पुलिस और एनसीसी कैडेट्स सड़क पर उतरे, यातायात माह में चेकिंग अभियान चलाया, 347 का काटा चालान। वाराणसी में युवक की सिर कूचकर हत्या, अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, पुलिस ने पहचान के लिए लाश को तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। संभल में पड़ोसी के घर मिला दूध व्यापारी का शव, पुलिस ने मकान सहित मालिक सहित 2 को हिरासत में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।